हाँ, तो आज का टॉपिक है हमारा भूगर्भिक संरचना, जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ, किसकी ज्योग्राफी पढ़ रहा है? भारत की। तो सिर्फ जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर देखेंगे हम भारत का। क्या होता है जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर? सबसे पहली बात तो भूगर्भ के अंदर की संरचना क्या है, और भूगर्भ के अंदर यानी पृथ्वी के नीचे क्या है? चट्टाने, वो सिर्फ लिक्विड फॉर्म में हो सकती है, और जो ऊपरी चट्टान है वो सॉलिड फॉर्म में है ना। तो भूगर्भिक संरचना में हम जो पढ़ते हैं वो किसका अध्ययन करते हैं? चट्टानों का, है ना। तो सबसे पहले परिभाषा लिखो भूगर्भिक संरचना में क्या करना है। भूगर्भिक संरचना से तात्पर्य भूगर्भ में स्थित चट्टानों से है, ठीक। इट इज रिलेटेड टू द रॉक्स सिचुएटेड बीनीथ द अर्थ। भूगर्भ में स्थित चट्टानों से, इट इज रिलेटेड टू द रॉक्स सिचुएटेड बीनीथ द अर्थ, ठीक। क्या अध्ययन करेंगे तो चट्टानों के संबंध में, यानी हमारा सब्जेक्ट ऑफ स्टडी क्या है, किस टाइप की चट्टाने कहाँ पाई जाती हैं, और उन चट्टानों में कौन सा मिनरल मिलता है ना। तो अध्ययन का विषय हमारा क्या रहेगा? चट्टान, और इसको दो टाइप से देखना है ना, कहाँ पाई जाती है और इसमें हमें मिनरल्स कौन सा मिलता है। इतनी बात क्लियर है ना, किस चट्टान में कौन सा मिनरल मिलता है और कौन सी चट्टान भारत के किस क्षेत्र में पाई जाती है, ठीक। ठीक है, तो भूगर्भिक संरचना के आधार पर स्पेशली भारत को 6 भागों में बांटा गया है ना, क्लासिफिकेशन, ठीक। और कौन सी वो 6 चट्टान है? आर्कियन और आधार कार्ड, अच्छा धारवाड़, हाँ आधार कार्ड बिगाड़ दो। 6 चट्टानों के आधार पर क्या किया गया है? क्लासिफिकेशन, वो देखना है 6 चट्टानें कौन कौन सी है। तो कौन कौन सी है? सबसे पहली है आर्कियन, आर्कियन रॉक, दूसरी है धारबाड़, DHARWAR धारबाड़, फिर कुडप्पा, कुडप्पा होता है या कडप्पा होता है, दोनों ही सही है ना, कैसे सही है? इंग्लिश में कुडप्पा लिखा नहीं, इंग्लिश का वो कुछ नहीं है ना, जो नाम बदलने की प्रक्रिया है वो 2014 के बाद स्टार्ट नहीं हुई, हमेशा से चल रही है ना। तो पहले ये कुडप्पा था, 2005 में कडप्पा हुआ और 2010 में हो गया है WSR, है ना, वो डिस्ट्रिक्ट का नाम, जिस डिस्ट्रिक्ट के नाम पे इस चट्टान का नाम पड़ा है ना। तो दोनों ही सही है अभी, लेकिन अपन को कुडप्पा लिखना है। फिर आगे लिखना है विंध्यन, विंध्यन चट्टान, फिर इसके बाद गोंडवाना, और सबसे अंतिम लिखना है दक्कन ट्रैप। ट्रैप में लिखना डबल पी, है ना। अच्छा, दो और चट्टानें होती हैं, एक टर्सरी और एक क्वार्टरनरी, तृतीयक और चतुर्थक। वो अभी अपने फॉर्मेशन पीरियड में, यानी बहुत नवीन चट्टानें हैं, उनको आखिरी में देखेंगे, लेकिन जो मेन चट्टान है वो यही है। इतनी बात क्लियर है। इसके लिए एक ट्रिक है, क्या है वो ट्रिक? अच्छा, ये क्रम इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि हर नेक्स्ट चट्टान अपनी प्रीवियस चट्टान से ही बनी है ना। तो जब हम देखेंगे कि आर्कियन से क्या बनी, धारवाड़, धारवाड़ से कुडप्पा, इसलिए ये क्रम याद रखना, जिससे फॉर्मेशन इजी रहेगा। और क्या है ट्रिक? आधार कार्ड बिगाड़ दो। तो आधार कार्ड फोटो के आधार पे तो सबका ही बिगड़ा है, ठीक। तो ये ट्रिक लिख लेना, आ से आर्कियन, धार से धारवाड़, का से कुडप्पा, बी से बिंदेन, गाड़ से गोंडवाना, और दा से दक्खन, है ना। ये क्रम इंपॉर्टेंट है, ठीक। अच्छा, चट्टानों का तो अध्ययन करेंगे इसमें, लेकिन चट्टान क्या है वो अलग पार्ट है ना। चट्टान क्या है? टाइप्स ऑफ चट्टान, इग्नियस, फिर सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक, आग्नेय, अपसादी और रूपांतरित, वो अलग है। लेकिन अभी भारत में जो हम पढ़ेंगे वो इस टाइप से पढ़ेंगे, लेकिन चट्टान क्या है? पहला क्वेश्चन कठोर पदार्थ है ना, और जो किसका कंपोजिशन है या जिसमें क्या पाया जाता है? मिनरल्स, है ना, एक या एक से ज़्यादा, सिंपल है, ठीक। यहाँ तक कोई डाउट? ठीक है, तो अब अपन एक एक करके देखेंगे। तो पहला देखना है आर्कियन, ठीक। तो हेडिंग डालना आर्कियन चट्टान,
एक ब्लैंक में पेज पर सिर्फ मैप बनाना, ठीक उसी मैप पे सारे ड्रॉ करेंगे। ठीक एक ही मैप पे सारे रॉक ड्रॉ करना है ना कि कौन सा चट्टान कहाँ पाई जाती है। ठीक है तो सबसे पहला है आर्कियन। कैसे बनी पृथ्वी के बारे में जो सबसे पहली जानकारी हमारे पास है वो ये है ना कि पृथ्वी सबसे पहले कैसी थी, गर्म गोला पिघलती लिक्विड फॉर्म में थी है ना, हॉट मोल्टन स्टेट में थी। तो जब सबसे पहले पृथ्वी ठंडी हुई और तब जो कठोर पदार्थ बना और जो चट्टान बनी वो कौन सी हुई, आर्कियन चट्टान। तो पृथ्वी पे सबसे पहले जो चट्टान आई वो कौन सी है, आर्कियन। तो इसको फॉर्मेशन में लिखना गर्म पिघली धरती के ठंडे होने से, एज अ रिजल्ट ऑफ हॉट मोल्टन अर्थ कूल्स डाउन है ना। अर्थ जब गर्म और पिघली अवस्था में थी और जब धीरे धीरे ठंडी हुई तो जो पृथ्वी पर सबसे पहली चट्टान आई है वो कौन सी है, आर्कियन चट्टान। ठीक है फॉर्मेशन ठीक है। फिर आते हैं ये कहाँ मिलती है, तो अच्छा ये बताओ जब भारत के हम दो धरातल पढ़ते हैं तो एक पेनिनसुलर इंडिया और एक नॉर्थ इंडिया, इसमें ज़्यादा पुराना पार्ट कौन सा है, पेनिनसुलर है ना। पेनिनसुलर जो पार्ट है भारत का दक्षिणी हिस्सा वो गोंडवाना लैंड का पार्ट है। ये वाला पार्ट तो हिमालय बनने के बाद बना है, जब हिमालय बना वहाँ से जो नदियाँ निकली और अपने साथ सेडिमेंट्स लाई उन्होंने ये पार्ट बनाया है। तो ये पार्ट तो कभी भी मोल्टन स्टेट में रहा ही नहीं होगा क्योंकि ये तो पृथ्वी जब कठोर हो गई और जब पृथ्वी ठंडी हो गई तब बना है। तो जो भारत में आर्कियन चट्टान है वो सिर्फ कहाँ मिलेंगी, पेनिनसुलर प्लेट यानी प्रायद्वीप भारत पे। अभी मैप पे नहीं बनाना, जो भी हिस्सा अदर चट्टान बनाने के बाद बचेगा वहाँ पर हम क्या पाएंगे कि आर्कियन है। अब चूंकि ये समय के हिसाब से सबसे पुरानी है ना, और समय हर चीज़ को बदल देता है, तो ये अपनी ओरिजिनल फॉर्म में तो आप कहीं पर भी नहीं है ना। हमने जब प्रोसेस पढ़ते हैं तो पढ़ते हैं ना इग्नीशियस का सेडिमेंट्री बनी और सेडिमेंट्री पर जब मेटामॉर्फिक प्रोसेस लगी तो मेटामॉर्फिक रॉक बनी। तो ये पूरी तरीके से अपने ओरिजिनल फॉर्म से तो बदल चुकी है ना। अभी अपन मैप पे नहीं बनाना कहाँ है, लेकिन प्राप्ति स्थल में लिख लेना कहाँ मिलती है ये, प्रायद्वीपीय भारत पर। भारत पर ठीक। और प्रायद्वीप भारत के कुछ स्टेट लिख लेना जैसे कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु है ना, बाकी पेनिनसुलर प्लेटी उड़ीसा तक भी है ना, कुछ पार्ट मध्य प्रदेश का भी। बस याद रखना प्रायद्वीप भारत पर ये मिलती है और प्रायद्वीप भारत के अधिकतर पार्ट पर यही पाई जाती है, लगभग 2/3 पार्ट पर। कितने पर, भाग पर। ठीक 2/3 पार्ट ऑफ पेनिनसुलर प्लेट्यू। ठीक है फिर बढ़ते हैं आगे, क्या विशेषता हो सकती है इसकी, क्या जी प्राइमरी रॉक प्राथमिक चट्टान है सबसे पहला, क्योंकि सबसे पहले पृथ्वी पर यही बनी। प्राथमिक चट्टान है प्राइमरी रॉक है। दूसरा हाँ सबसे पुरानी भी यही है ओल्डेस्ट, ठीक है सर्वाधिक पुरानी। फॉसिल्स आर नॉट फाउंड, जीवाश्म नहीं मिले। या फिर बोल सकते हैं जीवाश्म रहे थे ना, नॉन फॉसिली फेरस। ठीक
ठीक है, एक और इनका जो स्वरूप लिखना है, नेचर लिखना है, वो है रबेदार क्रिस्टलाइन फॉर्म में। इसका क्या मतलब है? जो इनका नेचर है या फिर जो इनकी अलग एक स्पेशल है वो क्या है? क्रिस्टलाइन फॉर्म में। क्रिस्टलाइन मतलब होता है दानेदार, है ना? तो ये किस फॉर्म में? दानेदार। जब कोई भी गर्म वस्तु धीरे धीरे सूखती है तो सूखने से उसमें क्या पड़ जाते हैं? छोटे छोटे दाने। तो ये गर्म मोल्टन स्टेट से ही सूखी हुई है, तो इसलिए ये किस फॉर्म में? रबेदार यानी दानेदार फॉर्म में। ठीक है, और कुछ है स्पेशल? ठीक है, जीवाश्म क्यों नहीं मिला लेकिन? क्योंकि जीवाश्म मतलब क्या? जीव का आश्म। तो जब पृथ्वी गर्म थी तो कोई जीव रहेंगे ही नहीं ना, जीवों की उत्पत्ति इस समय तक हुई नहीं थी। जब पृथ्वी रहने योग्य हो गई तब जीव आए। ठीक है, तो इसलिए जीवाश्म नहीं मिले। इसमें लिख लेना कौन कौन सी चट्टान मिलती है। एक तो मिलती है नीस, दूसरा मिलता है ग्रेनाइट, और एक और लिख लेना सिस्ट। ठीक, मैप पर अभी कहीं पर भी लोकेट नहीं करना, क्योंकि जो दूसरी चट्टान बनाने के बाद खाली स्पेस बचेगा वो सारा किसका हो जाएगा? आर्कियन का। ठीक, कोई डाउट इसमें नहीं है ना? पृथ्वी पर जो सबसे पहले चट्टाने आई वो कौन सी है? आर्कियन है। ठीक है, आगे बढ़े। ठीक है, दूसरी डालना कौन सी? धारवाड़। धारवाड़ रॉक्स। ठीक है, धारवाड़ रॉक किससे बनी है? आर्कियन से। लेकिन किस प्रोसेस से बनी है? वेदरिंग एंड इरोजन, या फिर सिंपल सा लिखना इरोजन, क्योंकि इरोजन में वेदरिंग तो ऑटोमेटिक शामिल ही है ना। अपक्षय और अपरदन क्या डिफरेंस है वेदरिंग और इरोजन में? वेदरिंग यानी चट्टानों में टूट फूट होना, और इरोजन यानी उनका एक जगह से दूसरी जगह उन टूट फूट जो छोटे छोटे पार्ट से उनका ट्रांसफर हो जाना, है ना। तो इरोजन में बह जाने का तत्व भी शामिल है ना। ठीक, कौन सा एलिमेंट शामिल है? ट्रांसफर का। जब ओनली टूट फूट हुई और वो छोटे टुकड़े वहीं उसी स्थान पर गिर गए तो वो बैदरेंगे, और जब वो बह के दूसरी जगह चले गए तो अपरदन, है ना। तो ये सब प्रक्रिया होने से उनका क्या होता है? केमिकल कंपोजिशन भी चेंज हो जाता है, और जब वही चेंज हो जाता है तो चट्टान एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में आ जाती है। तो ये लिखना आर्कियन चट्टानों के अपरदन। और अच्छा, दूसरा चट्टान का कैसा स्वरूप होना जरूरी? सॉलिड। और सॉलिड कब होगा? जब उनका डिपोजिशन या फिर सेडिमेंट्री एक जगह होगा और क्या होंगे? वो सॉलिडिफाई होंगे। तो पहली प्रोसेस होगी अपरदन और फिर होगा निक्षेपण यानी डिपोजिशन। तो क्या लिखोगे? आर्कियन चट्टानों के अपरदन और निक्षेपण से एज अ रिजल्ट ऑफ इरोजन एंड डिपोजिशन ऑफ आर्कियन रॉक्स। ठीक है, आर्कियन चट्टानों के अपरदन और निक्षेपण से निर्मित है एज अ रिजल्ट ऑफ इरोजन एंड डिपोजिशन ऑफ आर्कियन रॉक्स। पहले इरोजन हुआ, कोई प्रीवियस चट्टान अपने छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूटी, फिर बह के उसने अपना प्लेस चेंज किया, और वहां जाकर जब वो सॉलिडिफाइड हो गई उसी को अपन क्या बोलते हैं? डिपोजिशन। ठीक है, अच्छा, ये जो चट्टान है अपने मिनरल्स के लिए फेमस है। इसमें किस टाइप के मिनरल्स मिलते हैं? धातु खनिज, है ना, मेटेलिक मिनरल। तो लिखना किस लिए फेमस है ये? धातु खनिज के लिए। याद रख सकते हो धा से धारवाड़ और धा से धातु। तो कौन कौन से इंपॉर्टेंट मिनरल मिलते हैं? सोना, गोल्ड, लोहा, आयरन ओर, मैग्नीज, और एक और लिख लो तांबा, है ना। इसमें मिलते हैं, इसका तात्पर्य नहीं है कि दूसरे में नहीं मिलते। ठीक ठीक है, कहाँ कहाँ मिलती है ये चट्टान? तो देखो, मिनरल से भी अपन अंदाजा लगा सकते हैं। जहां पर सोना मिलेगा इसका मतलब वहां पर कौन सी चट्टान है? धारवाड़। जहां लोहा मिलेगा वहां पर धारवाड़, है ना। एक जनरल अनुमान है ये, एब्सोल्यूट यानी जरूरी नहीं है कि ऐसा हो। तो प्राप्ति स्थल में लिखो, सबसे पहले लिखो अरावली,
फिर लिखना कुछ हिमालय क्षेत्र है, ठीक। फिर लिखना कावेरी घाटी, कावेरी रिवर वैली। एक और लिख लेना छोटा नागपुर का पठार, छोटा नागपुर प्लेट, है ना। अब इन चार रीजन को जरूर मैप पे बना लेना। एक तो अरावली, दूसरा हिमालय के कुछ क्षेत्र, यानी कुछ क्षेत्र पहला लद्दाख, जास्कर और फिर उत्तराखंड का हिमालय। उत्तराखंड में हिमालय के दो क्लासिफिकेशन क्या है, एक गढ़वाल और एक कुमायूं। उत्तराखंड का वेस्टर्न पार्ट क्या कहलाता, सॉरी हिमालय का वेस्टर्न पार्ट क्या कहलाता है, हिमाचल प्रदेश में ही है ना। हिमाचल का वेस्टर्न पार्ट क्या कहलाता है, गढ़वाल, और ईस्टर्न पार्ट कुमायूं कहलाता है ना। तो कौन कौन से दो चार पार्ट लिखना है, एक लद्दाख, फिर दूसरा जास्कर, और फिर हिमाचल प्रदेश में लिखना है दो, कौन से हैं, गढ़वाल और हुमायूं ने कुमायूं कुमायूं बोला ना, ठीक है। ये अरावली, ठीक, ये एल से लद्दाख, जेड से जास्कर, और फिर ये इसको लिख लेना क्या, गढ़वाल और कुमायूं हिमालय, ठीक। एक क्या है, छोटा नागपुर का पठार, ठीक, और एक बनाना है कावेरी घाटी। यहाँ पर क्या मिल रहा है, कौन सी चट्टान मिल रही है, धारवाड़। अब आ जाओ इसकी विशेषता पे, ठीक। तो पहली विशेषता ये है, इस चट्टान का नाम धारवाड़ क्यों रखा, कर्नाटक के धारवाड़ जिले के नाम, क्योंकि इन चट्टानों को जो सबसे पहले खोजा गया, जो सबसे पहले स्टडी की गई, वो किस जिले में की गई, धारवाड़ डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। तो लिखना इसकी पहली विशेषता जो क्या है, कर्नाटक के धारवाड़ जिले के नाम पर क्या है, इसका नामकरण है, के नाम पर नामकरण, ठीक, नेम ऑन द धारवाड़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटक। फिर आगे बढ़ते हैं, अच्छा क्या है विशेषता, एक तो यही विशेषता है कि मिनरल रिच है ना, रिच इन मिनरल, धातु समृद्ध है, पहली विशेषता रिच इन मिनरल है, ठीक है। दूसरा, अभी भी जीव की उत्पत्ति नहीं हुई, जीवाश्म रहित है, नॉन फॉसिलिफेरस है, धातु समृद्ध और नॉन फॉसिलिफेरस। अच्छा, जीवाश्म रहित होने का अब यहाँ पर जो कारण मिलता है वो ये भी मिल सकता है कि इस समय के जीवाश्म बचे ही नहीं है ना, और जब तक साक्ष्य नहीं है एक्यूज्ड अपराधी नहीं हो जाता है ना। तो जब तक जीवाश्म मिले नहीं है इस चट्टान में, हम इसको क्या मानेंगे, जीवाश्म रहित है ना। आर्कियन में जीवों की उत्पत्ति नहीं हुई, एक ये कारण है, लेकिन धारवाड़ के समय दो कारण मिलते हैं कि या तो उत्पत्ति नहीं हुई या फिर इस समय के जीवाश्म अब तक बचे ही नहीं है, पूरी तरीके से क्या हो चुके हैं, डिकम्पोज हो चुके हैं, ठीक है। और क्या इनकी विशेषता है, अच्छा जब अपन रॉक्स पढ़ते हैं तो सबसे पहले इग्नियस रॉक बनी, फिर इग्नियस रॉक में क्या लगा, इरोजन की प्रोसेस, तो फिर कौन सी चट्टान बनी, अपसादी। तो ये जो धारवाड़ बनी है धरती पर उपलब्ध पहली सेडिमेंट्री चट्टान है, क्योंकि आर्कियन चट्टान में जब पहली बार अपरदन की प्रक्रिया लागू हुई तब जो चट्टान बनी वो कौन सी है, धारवाड़। तो लिखना पहली अपसादी चट्टान, फर्स्ट सेडिमेंट्री रॉक्स, पहली अपसादी चट्टान, फर्स्ट सेडिमेंट्री रॉक, ठीक। इसी को पहली परतदार चट्टान भी बोलते हैं, फर्स्ट लेयर्ड रॉक। क्या मतलब है लेयर्ड रॉक का, क्या परतों में रहती है ना, अभी दिखाते हैं किस टाइप से परतों में रहती है। दूसरा लिखना है यही पहली रूपांतरित चट्टाने भी, फर्स्ट मेटामॉर्फिक रॉक है ना। इनमें ही जब कुछ केमिकल कंपोजिशन चेंज हुआ होगा, रिक्रिस्टलाइजेशन है ना, पुनर्संरचनीकरण हुआ होगा, तब जो चट्टान बनी वो भी धारवाड़ जैसी ही थी है ना, उसने अपना स्वरूप बहुत ज़्यादा नहीं बदला, ठीक। तो ये दोनों प्रोसेस से जब बनी, जब पहली बार सेडिमेंट्री प्रक्रिया लगी तब भी धारवाड़ बनी, और जब धारवाड़ में खुद ही क्या लगा, रिक्रिस्टलाइजेशन है ना, अपन ने वर्ल्ड ज्योग्राफी में पढ़ा है रिक्रिस्टलाइजेशन, यानी क्या, चट्टानों का सिर्फ केमिकल कंपोजिशन चेंज हो गया, उससे जो चट्टान बनी वो भी क्या है, रूपांतरित, यानी मेटामॉर्फिक रॉक, ठीक।
उन लोगों को ज़्यादा अच्छे समझ में आ रहा होगा जिन्होंने बल्क ज्योग्राफी पढ़ी है। तीन टाइप पढ़े थे ना अपन, इग्नियस, सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक। ठीक है, ठीक, तो फिर आगे बढ़ते हैं। परतदार का मतलब होता है इस टाइप से चट्टान। ठीक, ये दिख रही है इसमें परत, लेयर्ड बनी हुई है। इन चट्टानों को बोलते हैं लेयर्ड चट्टान। तो इस टाइप की जो विशेषता सबसे पहले हमें मिली है, किसमें मिली है? धारवाड़ चट्टान। ये दिख रही है ना, डार्क है, फिर देखोगे तो एक लेयर लाइट है, फिर डार्क है, फिर लाइट है ना। ठीक है, तो नेक्स्ट चट्टान है अपनी क्या, कोडप्पा। ठीक, कोडप्पा से बनाना चालू करेंगे। ठीक है, कोडप्पा किससे बनी होगी? धारवाड़ से। और सेम प्रोसेस, पहले अपरदन और फिर निक्षेपण, तो लिख लो सेम चीज है। क्या है वरुण जी? धारवाड़ चट्टान के अपरदन और निक्षेपण से निर्मित, धारवाड़ चट्टान के अपरदन और निक्षेपण से निर्मित, एज अ रिजल्ट ऑफ इरोजन एंड डिपोजिशन ऑफ धारवाड़ रॉक्स। ठीक है, क्या खनिज मिलेंगे इसमें? तो लिखना बलुआ पत्थर यानी सैंडस्टोन, फिर लिखना चूना पत्थर यानी लाइमस्टोन, और फिर लिखना संगमरमर यानी मार्बल। ठीक, तीन स्पेशल लिखना, सैंडस्टोन, लाइमस्टोन और मार्बल। कहाँ मिलता है ये? तो सबसे पहले पता करो कि चूना पत्थर और संगमरमर के लिए कौन सा स्टेट फेमस है। राजस्थान, तो सबसे पहले मिलेगा जो राजस्थान में मिलेगा। फिर दूसरा लिखना आंध्र प्रदेश, और तीसरा लिखना छत्तीसगढ़ थोड़ा सा, और एक रीजन और लिखना कृष्णा घाटी, कृष्णा रिवर वैली। ठीक, तो ये राजस्थान, दूसरा छत्तीसगढ़, फिर आंध्र प्रदेश, और इसी में शामिल है अपनी कौन सी नदी? कृष्णा नदी। ठीक, तो ये चार प्लेसेस हैं, तो ये बना लो। ठीक, और कहाँ थी धारवाड़? छोटा नागपुर का प्लेटू, लिख लिया। कहाँ मिलते हैं? फीचर, अब इनका नेचर पूछा जाए ना, ये पहली सेडिमेंट्री नहीं है, पहली सेडिमेंट्री तो क्या हो चुकी, धारवाड़। अब इनका नेचर स्वरूप पूछा जाए तो वो भी कैसा है? सेडिमेंट्री है। स्वरूप लिखना इनका कैसा है? अपसादी है। इनका स्वरूप कैसा है? अपसादी है। दूसरा, जीवाश्म अभी भी नहीं मिले, तो नॉन फॉसिली फेरस है यानी जीवाश्म। क्या जी? हाँ, मेटामॉर्फिक भी आ सकता है कि इनका स्वरूप। और दूसरा कैसा है? मेटामॉर्फिक। देखो, हर टाइप में कुछ ना कुछ तो केमिकल चेंजेस हो के वो उसी टाइप की बनती है ना, लेकिन अपन को जो एग्जाम के हिसाब से वो ये लिखना है कि इसका अगर नेचर पूछा जाए तो वो कैसा है? अपसादी है। ठीक है, और क्या विशेषता हो सकती है इसकी? अच्छा, एक इसका नामकरण कोडप्पा क्यों हुआ है? आंध्र प्रदेश, ये जो डिस्ट्रिक्ट है ना, वर्तमान में कहाँ है? कोडप्पा जिले के नाम पर। ठीक, और वर्तमान में इस जिले का नाम हो गया वाईएसआर। अब कोडप्पा डिस्ट्रिक्ट जैसा कुछ भी नहीं है ना, अब सिर्फ कोडप्पा जिले की यादें मात्र हैं। वाईएसआर वहाँ के कोई फेमस व्यक्ति है ना, 2010 में हुआ है ना, वाईएसआर जिला। तो चाहो तो ऐसा लिख सकते हो कि कोडप्पा नामक स्थान के नाम पर है ना, क्योंकि जिला तो अब बचा नहीं है। ठीक है, इसमें एक स्पेशल फैक्ट ये लिख लेना, राजस्थान में तांबा और जस्ता भी मिलता है ना, तो राजस्थान का जो तांबा है वो कोडप्पा चट्टान में ही मिलता है। ठीक, तो ये लिख लो, राजस्थान का तांबा इसी चट्टानों में मिलता है।
कॉपर ऑफ राजस्थान फाउंड इन दिस रॉक्स. राजस्थान किस कौन सी खान फेमस है तांबे के लिए? तांबा सुनते ही मलाजखंड याद आता है. खेतड़ी, खेतड़ी है ना. और चांदी भी राजस्थान में मिलती है, उसके लिए कौन सी है? चित्तौड़गढ़. चा से चित्तौड़गढ़ और चा से चांदी. और जस्ते के लिए जा से जस्ता और जा से जावर. ठीक, तो याद रखना. ठीक है, फिर आप नेक्स्ट कौन सी चट्टान है? विंध्यन. ठीक है, तो ये रफ करते हैं. विंध्यन रॉक. ठीक है, इन चट्टान का नाम विंध्यन क्यों पड़ा? विंध्याचल पर्वत के नाम पर है ना. तो पहले तो इनका नेमिंग ही लिख लो कि वाई दे आर नोन एज विंध्यन रेंज, विंध्यन रॉक्स, तो विंध्याचल पर्वत के नाम पर. ठीक, और पहले ये समझो ये पाई कहाँ जाती है, उससे क्लियर होगा कि ये बनी कैसे है ना. तो इसमें लिखना प्राप्ति स्थल में ये कहाँ से कहाँ तक पाई जाती हैं. तो चित्तौड़गढ़ से, कहाँ है चित्तौड़गढ़? राजस्थान. चित्तौड़गढ़ से सासाराम बिहार तक पाई जाती है ना, एक पतला सा बेल्ट है सासाराम बिहार तक. चित्तौड़गढ़ इज इन राजस्थान और सासाराम इज इन बिहार. सासाराम का क्या फेमस है? शेरशाह सूरी का मकबरा है ना. तो ये इस जगह पाई जाती है. यहाँ से अपन बना लेते हैं इस तरीके से, ये एक बेल्ट है पूरी, और ये बेल्ट किसकी है? पूरी विंध्याचल की है ना. जहाँ जहाँ तक विंध्याचल पर्वत फैला है वहीं तक है ना. ठीक है, तो अच्छा अब ये वाला जो क्षेत्र तुम लोग देखोगे, विंध्याचल पर्वत मत पकड़ना है ना, नहीं तो सोचो विंध्याचल पर्वत है ना. ये वाला जो क्षेत्र है जहाँ पर कौन सी रॉक है? विंध्यन रॉक. इसके नीचे का हिस्सा पेनिनसुलर प्लेट्यू है और ऊपर का नॉर्थ इंडिया है. अगर ये क्षेत्र मान लो पास्ट में कभी जुड़े नहीं थे, मान लो क्या ये तो फैक्ट्री है, जुड़े नहीं थे, तो यहाँ की जो नदियाँ थी वो ऊपर जा रही हैं चंबल वगैरह, अगर वो गंगा में नहीं मिल रहे, और जो ऊपर से नदी उतर रही वो भी यहाँ उतर रही हैं. तो ये वो क्षेत्र है जहाँ पर दोनों क्षेत्र की नदियाँ डिपोजिशन कर रही हैं है ना. नदियाँ अपने साथ जो छोटे छोटे सेडिमेंट्स लेके आ रही हैं अब साथ, उनको इस क्षेत्र में क्या कर रही है? डिपॉजिट. और हमने पढ़ा इस क्षेत्र में ही पहले भूसन्निति थी 33 है ना, भूसन्निति थी ना 33, जो नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया के बीच में थी. तो ये वो क्षेत्र है जहाँ पर दोनों क्षेत्र की नदियाँ कंटिन्यूसली क्या कर रही थी? डिपोजिशन है ना. तो ये जो चट्टान बनी है ये किससे बनी है? नदियों के डिपोजिशन से बनी है ना. तो इसके फॉर्मेशन में क्या लिखना है? नदियों के निक्षेपण से, बाय द डिपोजिशन, सॉरी बाय रिवर्स डिपोजिशन, या फिर डिपोजिशन बाय द रिवर. ठीक है, अब लिखना है इसमें मिनरल कौन कौन से हैं. तो इसमें भी लाल बालुआ पत्थर, रेड सेड स्टोन, फिर चूना पत्थर भी है, चीनी मिट्टी लिख लेना एक, और फिर एक लिख लेना क्या? डोलोमाइट. डोलोमाइट, ठीक है. तुम देखोगे कि जो मुगल कालीन स्थापत्य आर्किटेक्ट वो अधिकतर लाल है ना, लाल किला वगैरह ये, तो वो किस पत्थर से बना हुआ है? इसी से, लाल बलुआ पत्थर से ना. अब आते हैं विशेषता पे. क्या विशेषता हो सकती है? जीवन के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी क्या है? पानी. और हम पढ़ रहे हैं ये चट्टान बनी किससे? वाटर डिपोजिशन से है ना, जल निक्षेपों से ही बनी है. तो इस समय तक अब जीवों की उत्पत्ति हो चुकी थी. मतलब डायमंड फाउंड इन दिस रॉक्स. और कौन सी दो फेमस जगह है डायमंड के लिए? एक तो पन्ना. देखो दोनों में मानते हैं, कुडप्पा में भी मानते हैं डायमंड और विंध्यन में भी मानते हैं ना. कुडप्पा की जो बिजावर सीरीज है उसमें भी मानते हैं और इसमें भी मानते हैं, दोनों ही फैक्ट मिलते हैं अधिकतर जगह ना. पन्ना और फिर लिखना गोलकुंडा. गोलकुंडा कहाँ है? तेलंगाना. ठीक, हम बोल रहे हैं मिनरल वाला जो फैक्ट है वो एब्सोल्यूट नहीं है, एक मिनरल एक से ज़्यादा चट्टानों में भी मिल सकता है. ठीक है, जीवाश्म में हीरा प्राप्ति चट्टान है, और कौन कौन सी दो हीरा की खाने? एक पन्ना में और एक गोलकुंडा में.
दूसरा एक फैक्ट ये भी लिख लेना, जो नॉर्थ इंडिया के अधिकतर इमारतें हैं वो किस पत्थर से बनी है? बिंदन चट्टान के लाल पत्थर, लाल बलुआ पत्थर से, ठीक है? लिख लेना, मोस्ट ऑफ द बिल्डिंग्स ऑफ नॉर्थ इंडिया मेड अप ऑफ रेड सैंडस्टोन। चीनी मिट्टी माने चाइना के लिए है ना, क्या काम आती है चीनी मिट्टी? हाँ, कप वगैरह बनते हैं ना, इलेक्ट्रिसिटी के साथ। हाँ, अब तो नहीं बनते इलेक्ट्रिसिटी के, वो इंसुलेटर। तो इसका मतलब ये क्या है? इंसुलेटर तो है इनकी, चीनी मिट्टी की क्या विशेषता हो जाएगी? कुचालक है हुए ना, बैड कंडक्टर है ना, ठीक है, क्योंकि इनकी चीनी सप्लाई इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई नहीं होती, ठीक है। तो फिर नेक्स्ट कौन सी चट्टान है? अब बिंध्यन के बाद बनेगी गोंडवाना, ठीक है। ये कैसे बनी, कैसे बनी गोंडवाना? तो सुना होगा, गोंडवाना की खासियत क्या है? कोयला मिलता, और कोयला बना कैसे? फॉसिल के दबने से, है ना। तो इन चट्टानों का जो फॉर्मेशन हुआ है वो हुआ है कार्बोनिफेरस युग में। अपन ने जब एरा पढ़े उसमें एक एरा कौन सा था? कार्बोनिफेरस। कार्बोनिफेरस युग में क्या हुआ है? दरारें पड़ गई हैं धरातल पे, और उन्हीं धरातलों में वेजिटेशन क्या हो गई? दब गई है, और उसी से जो चट्टानें बनी है वो कौन सी हैं? गोंडवाना चट्टान। तो सबसे पहले फॉर्मेशन लिखो, क्या है फॉर्मेशन? तो लिखना कार्बोनिफेरस युग के दौरान, कार्बोनिफेरस युग के दौरान, ठीक। और ये जनरली अधिकतर कहाँ पाई जाती हैं? प्रायद्वीपी भारत में ना, पेनिनसुलर इंडिया में, के दौरान प्रायद्वीप भारत में क्या बन गई थी? दरार क्रैक्स वनस्पति के दबने से, वनस्पति के दबने से। वनस्पति का दबना माने ब्यूरियल ऑफ वेजिटेशन, है ना, burial, बरियल ऑफ वेजिटेशन, ठीक। बरियल ऑफ वेजिटेशन इन क्रैक्स ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ कार्बोनिफेरस, किस युग में? तो कार्बोनिफेरस युग में, ठीक, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ कार्बोनिफेरस एरा, ठीक। ब्यूरियल ऑफ वेजिटेशन इन क्रैक्स ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ कार्बोनिफेरस, और कहाँ पर? सिर्फ पेनिनसुलर इंडिया में, है ना, ठीक है। प्राप्त खनिज तो सिंपल है, क्या मिला है? कोयला यानी कोल। तो भारत का जो 98% कोयला है वो किन चट्टानों में पाया जाता है? गोंडवाना रॉक्स में ही, ठीक। तो फिर देखते हैं कि ये चट्टाने कहाँ कहाँ मिलेंगी। जहाँ जहाँ मिलेगा कोयला, और कोयला अधिकतर किस में मिलता है? नदी घाटियों में, है ना। तो सबसे पहले तीन इंपॉर्टेंट नदी घाटी कौन सी हैं? एक तो है महानदी, जिसमें ये छत्तीसगढ़ झारखंड उड़ीसा वाला पूरा क्षेत्र है। एक है दामोदर, ठीक, दामोदर रिवर वैली। एक फिर महानदी, और एक लिखना है गोदावरी, ठीक। तो तीन क्षेत्र इसके स्पेशल कौन से लिखना है? तीन नदी क्षेत्र है, ठीक। कौन कौन से है वो तीन नदी क्षेत्र? एक है पहली दामोदर रिवर वैली, दूसरी है महानदी रिवर वैली, और तीसरी है गोदावरी रिवर वैली, है ना। और इनमें एक एक क्षेत्र के नाम लिख लो जो इस नदी घाटी में पड़ते हैं। तो दामोदर में कौन सा एरिया फेमस है? झारखंड साइड, झरिया। कहाँ पर है? झारखंड में। फिर महानदी में कौन सा? उड़ीसा में तालचर, ठीक। और गोदावरी में है सिंगरैनी, सिंगरैनी। अच्छा, और इन्हीं को अपन स्टेट के फॉर्म में लिखें तो लिख सकते हो ना, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा, है ना। और इनका जो नामकरण हुआ है वो किस पर हुआ है? मध्य प्रदेश के गोंडवाना क्षेत्र के नाम पर, है ना। तो अब आ जाओ फीचर्स में, और इनका नामकरण लिखना किस क्षेत्र पर हुआ है? मध्य प्रदेश के गोंडवाना क्षेत्र के नाम पर, मध्य प्रदेश के गोंडवाना क्षेत्र के नाम पर, ठीक। झरिया झारखंड, तालचर उड़ीसा, सिंगरैनी कहाँ है? यहाँ तक कोई डाउट? अच्छा, अब जीवाश्म जब विंध्यन में मिलेगा इसका मतलब विंध्यन के बाद सब में मिलेंगे, है ना, उसमें तो कोई डाउट है नहीं, हर बार लिखने की जरूरत
नेक्स्ट क्या है? दक्कन ट्रैप, ये रफ कर दे। दक्कन तो ठीक है, दक्कन के पठार पे, ट्रैप क्यों है यहाँ पर? अभी तक ट्रैप बर्ड नहीं आया है, किसी को पता? ठीक है तो आगे देखते हैं। हाँ वेरी गुड, है ना। ट्रैप एक स्वीडिश वर्ड है जिसका अर्थ होता है सीढ़ी नुमा। तो ये जो चट्टान है ये सीढ़ी के फॉर्म में पाई जाती है। ठीक, अब सबसे पहले ये लिखो, ये बनी कैसे? दक्कन ट्रैप कैसे बना है? सॉलिडिफिकेशन ऑफ लावा, है ना। प्रायद्वीप दक्कन के पठार पे किस युग में? क्रिटेशियस युग में, क्रिटेशियस ईरा में वॉल्केनिक इरप्शन हुआ, लावा बाहर आया, वो जमा और उसके जमने से जो चट्टान बनी वो कौन सी है? दक्कन ट्रैप की चट्टान। तो क्या लिखोगे? क्रिटेशियस युग में, युग के दौरान प्रायद्वीप भारत में ज्वालामुखी उद्गार से निकले लावा के जमाव से। ड्यूरिंग द ईरा ऑफ क्रिटेशियस, ठीक, क्या हुआ? लावा केम आउट ड्यू टू वॉल्केनिक इरप्शन, है ना। सॉलिडिफिकेशन ऑफ लावा, इतना लिख लो सिर्फ, है ना। सॉलिडिफिकेशन ऑफ लावा केम आउट ड्यूरिंग द वॉल्केनिक इरप्शन, है ना, और किस पीरियड में? क्रिटेशियस युग में। ठीक है, क्या खनिज मिलेगा इसमें? ठीक है, तो पहला लिख लो, इसमें कौन सी चट्टानें मिलती है? बेसाल्ट रॉक्स, बेसाल्ट रॉक। ठीक, लावा के जमने से जो चट्टान बनी वो बेसाल्ट है। अब बेसाल्ट में जो इरोजन होगा और छोटे छोटे पार्टिकल से जो मिट्टी बनेगी वो कौन सी बनेगी? काली मिट्टी, है ना। प्राप्ति स्थल में अपन क्या लिख सकते हैं? दक्कन का पठार, डेक्कन प्लेट्यू। दूसरा, कुछ हिस्सा गुजरात का भी आता है इसमें। ठीक, तो इसको कैसे बनाना है? ऐसे बनाना है, ये जो पूरा हिस्सा है और ये हिस्सा, ये किसका है? डेक्कन ट्रैप का, डेक्कन ट्रैप का हिस्सा है। ठीक ठीक है, अब आ जाओ विशेषता पे। तो क्या विशेषता है? फॉर्मेशन ऑफ ब्लैक सॉइल, लिख लो। काली मिट्टी का निर्माण किन चट्टानों से हुआ है? तो डेक्कन ट्रैप से हुआ है। और क्या बोलते हैं काली मिट्टी को? रेगुर। और कौन सी फसल होती है इसमें? कॉटन। तो कपासी मिट्टी भी बोलते हैं, है ना। और जो यूएन ने क्लासिफिकेशन किया है उसमें इसका क्या नाम आता है? चेरनोजिन, है ना। तो वो अपन मिट्टी में पढ़ेंगे, अभी सिर्फ लिख लेना काली मिट्टी का निर्माण। और किसी मिट्टी का निर्माण क्या होता है? जब चट्टान पे इरोजन होता है, चट्टान घिसती है ना। तो जब कौन सी चट्टान घिसी? बेसाल्ट चट्टान। ठीक, और इसका एक और नाम लिख लेना, काली मिट्टी का लावा मिट्टी भी बोलते हैं इससे, है ना। नेक्स्ट है, अच्छा इसका ये भी लिख लो कि इसका ट्रैप क्या है, ना। ये ट्रैप बर्ड क्या है? स्वीडिश बर्ड है जिसका मतलब होता है स्टेयर, सीढ़ीदार। और ये जो चट्टान पाई जाती है ये किस फॉर्म में है? तो तुम देखोगे, ये देखो सीढ़ी नुमा स्ट्रक्चर है। ठीक, इसलिए इन चट्टानों को क्या बोला जाता है? ट्रैप। दूसरी एक थ्योरी ये भी कहती है कि लावा जो है अंदर पृथ्वी के अंदर छोटी छोटी दरारों में ट्रैप हो गया, बंद हो गया, इसलिए भी दक्कन ट्रैप, है ना। तो दोनों सही है, वैसे स्वीडिश वाला ज़्यादा सही है। फिर है टर्सरी मिट्टी, है ना। अब वो जो सारी हो गई हैं जिनका क्लासिफिकेशन है ना, अब सिर्फ टर्सरी और चतुर्थक। ठीक, तो इनमें हमें सिर्फ ये सिंपल सा लिखना है कहाँ मिलती है और कुछ अगर विशेषता है तो। ठीक ठीक है, तो सबसे पहले लिखो टर्सरी रॉक कहाँ मिलती है। तो ये मिलती है हिमालय रीजन में, और इसकी खासियत क्या है? जो असम का खनिज तेल है वो इसी चट्टान में पाया जाता है। खनिज तेल यानी मिनरल ऑयल, जिससे फिर आगे क्या बनेगा? पेट्रोलियम वगैरह बनेगा, है ना। असम का खनिज तेल मिनरल ऑयल इसी में पाया जाता है। क्या बिग बुल? क्या हाँ ठीक, आगे बढ़ते हैं। फिर अंतिम लिखना है चतुर्थ यानी क्वार्टरनरी।
ठीक, तो क्वार्टरनरी कहाँ है? तो क्वार्टरनरी लिखना उत्तर भारत के मैदान में, है ना, ये जो गंगा का मैदान है इसमें पाई जाती है, तो लिखना सिंधु गंगा के मैदान में, इंडस एंड गैंगेटिक प्लेन्स, ठीक। और दूसरी जो गंगा के मैदान में अपन खासियत पढ़ते हैं, बांगर और खादर, वो इसी चट्टान का पार्ट है ना, तो लिखना विशेषता में बांगर और खादर इसी में पाए जाते हैं। हाँ, मतलब वो जो जहाँ जहाँ तक इनका एक्सटेंशन है वो इन्हीं चट्टानों के ऊपर है ना, क्योंकि ये नॉर्थ इंडिया में, और ये दोनों बांगर खादर कहाँ पाए जाते हैं? नॉर्थ इंडिया में, ठीक है ना। इनका और कुछ ज़्यादा स्पेशल नहीं पढ़ना है, अगर बहुत हिंदी में लिखना है तो इसको क्या लिखोगे, चतुर्थ चट्टान है, और इसके पहले वाली को तृतीय चट्टान, ठीक। ये हो गया अपना रॉक्स पूरा, कोई डाउट हो तो पूछो। ये है अपना विंध्यन चट्टान, ब्लू वाली कौन सी चट्टान है, धारवाड़, ठीक। ऑरेंज वाली कौन सी है, जो छत्तीसगढ़ राजस्थान कोडप्पा है ना, ठीक। और जो काली नदी घाटियां बनी है ये कौन सी है, गोंडवाना, और ये वाला कौन सा है, दक्खन ट्रेन, ठीक। अब जो बीच में हिस्सा बचा कौन सा हिस्सा, प्रायद्वीप हिस्सा, ये वाला, जहां पर कोई दूसरी चट्टान उपलब्ध नहीं है वहां पे कौन सी चट्टान आ जाएगी, आर की, ठीक। तो एक बार पढ़ लो फिर पूछते हैं।